ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कंचार अध्याय 13 श्लोक संख्या 5 श्लोक संख्या आज 5 चर्चा करेंगे, लेकिन 4 को हम एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद फिर। सो श्लोक संख्या 4, स्वधर्मशील पुरुषर भगवान यज्ञ पुरुष इज्यमानो भक्तिमता नारदेने रितः कील। अनुवाद एवं तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदाभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अनुवाद, जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे थे, तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया। तात्पर्य, नारद मुनि सर्वदा भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। इस श्लोक से प्रकट है कि वह न केवल भगवान का गुणगान करते रहे हैं, वरन भगवान के भक्तों का भी गुणगान करना चाहते हैं। नारद मुनि का एकमात्र जीवन लक्ष्य है भगवान की भक्ति का प्रचार। इस हेतु उन्होंने नारद पंचरात्र का संकलन किया है, जो भक्ति योग की निर्देशिका है, जिससे भक्त लोग सदा भक्ति करने की विधि सीख सकते हैं तथा भगवान के लिए अहर्निश यज्ञ करने में तत्पर हो सकते हैं। जैसा कि भगवद्गीता में वर्णित है, भगवान ने सामाजिक जीवन के 4 विभाग किए हैं। ये हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। नारद पंचरात्न में स्पष्ट वर्णन है कि प्रत्येक विभाग किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करे। भगवद्गीता 18:45 में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः सम सिद्धिम लभते नरः। अपना निर्धारित कर्म संपन्न करके मनुष्य भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भागवत में भी 1:2:13 में कहा गया है, स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य सम सिद्धिर हरितोषणम्। कर्तव्य की पूर्णता इसी में है कि मनुष्य अपना निर्धारित कार्य करते हुए भगवान को प्रसन्न रखे। जब प्रचेतागण इस निर्देश के अनुसार यज्ञ कर रहे थे, तो नारद इन कार्यों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने यज्ञ स्थल में ध्रुव महाराज के गुणों का गान करना चाहा। श्लोक संख्या 5, यह ताह देवऋषिना तत्र वर्णिताः भगवत्कथाः मह्यं शुश्रूषवे ब्राह्मण कात्स्नेन आश्चष्टुमर्हसि। यास्तादेवऋषिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कात्स्नेन चष्टुमर्हसि। शब्दार्थ, यः जो, ताः वे सब, देव ऋषिना नारद ऋषि द्वारा, तत्र वहाँ, वर्णिताः उल्लिखित, भगवत कथाः भगवान के कार्यकलापों से संबंधित उपदेश, मह्यं मुझको, शुश्रूषवे सुनने के लिए इच्छुक, ब्रह्मण हे ब्राह्मण, कात्स्नेन पूर्णतः आचष्टुमर्हसि, कृपया बताइए। अनुवाद एवं तात्पर्य, कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की। अनुवाद, हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की उस महिमा का वर्णन कीजिए। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत भगवान की लीलाओं अर्थात भागवत कथा का अभिलेख है।
विदुर जो कुछ मैत्रेय से सुनने को उत्सुक थे उसे हम भी 5000 वर्षों के बाद सुन सकते हैं, बशर्ते कि हम अधिक उत्सुक हों। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिन्निति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और इस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। तो यहाँ पे विदुर मैत्रेय ऋषि से प्रचेताओं की सभा में जो भगवान नारद ने ध्रुव महाराज की कथा कही थी तो उसको सुनने के लिए इच्छुक हैं विदुर ऋषि, विदुर जी। तो यहाँ पे जो विशेष शब्द जो यहाँ पे आया है शुश्रूषवे, इक्षुक, भगवान की कथा सुनने का इक्षुक होना, तो उस पर आज विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। कल की कथा में हमने देखा कि विशेष रूप से जो कल की कथा का सार था कि अपने अपने स्वधर्म का पालन करके कैसे कोई व्यक्ति हरि समसिद्धि हरि तोषणम, हरि की संतुष्टि कर सकता है अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पण करके। चौथे श्लोक में भी उसी चीज़ को वहाँ बताया गया है। चौथा श्लोक जो था उसमें प्रभुपाद जी स्वे से कर्मण्यभिरता समसिद्धि लभते नर, और दूसरा श्लोक यहाँ पे आता है स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धि हरि तोषणम, कि अगर कोई अपने अपने स्वधर्म का पालन करे तो उसको समसिद्धि प्राप्त होगी। समसिद्धि और समसिद्धि कल की कथा में भी हमने सुना कि समसिद्धि है क्या, समसिद्धि है हरि की संतुष्टि, कर्मों की सकाम कर्मों की भी समसिद्धि है हरि की संतुष्टि। कोई अगर भौतिक भोग विलास भी कर रहा है या सकाम कर्म भी कर रहा है अपने स्वधर्म का पालन करके तो भी उसकी सिद्धि तभी होगी तब जब हरि की संतुष्टि होगी। तो कल की कथा में ये विशेष रूप से इस पे हमने श्रवण किया। आज विदुर ऋषि के आतुरता को विशेष रूप से आज के श्लोक में वर्णन किया, उत्कंठा आतुरता या व्यग्र उत्साह, ये सब शब्द भागवत में आता है। तो ये कितना आवश्यक है भक्तिमय जीवन में, है ना, जैसा वो श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है तत्र लौल्यम अपि मौल्यम एकलम, कि लौल्यम ग्रीड बहुत आवश्यक है कि भक्ति को करने का उत्साह, उसमें अनुपात का अंतर हो सकता है कि शुरुआती अवस्था में और जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं उसमें अनुपात का अंतर हो सकता है, लेकिन वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, भगवान के बारे में अपने संबंध को जानने की इच्छा वो तीव्र रूप से होनी चाहिए। ये प्राथमिक आवश्यकता बताई गई है भक्ति करने के लिए, और कोई योग्यता ऐसे
स्पष्ट रूप से ऐसी कोई योग्यता नहीं बताई गई है, लेकिन एक योग्यता का जो वर्णन है वो है ग्रीड, मतलब कि भूख, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को जानने की भूख, या परम सत्य क्या है, भगवान पता नहीं भगवान है या अल्लाह है या जीसस है जो भी है, लेकिन परम सत्य को जानने की भूख अगर भगवान को नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन के अस्तित्व को जानने की वो लालसा, वो लौल्यम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अभी हमारी अवस्था है, उस अवस्था में हमारे अंदर जो उत्सुकता और भूख है वो किस चीज़ की है? भौतिक आकांक्षाओं की, भौतिक लोभ, लालच, इंद्रिय सुख, शारीरिक आराम, इंद्रिय आराम की लालसा है। और भागवत में इसके कई सारे उदाहरण दिए गए हैं कि इस इंद्रिय लालसा या शारीरिक आराम के लिए व्यक्ति किसी भी अनुपात में जा सकता है, है ना, उत्कंठा इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी अनुपात में जा सकता है। जैसा कि प्रसिद्ध उदाहरण है कि जब कंस अपनी बहन को वसुदेव और देवकी को लेके जा रहा था, और रथ कंस चला रहा था, भाई है ना, बहन की शादी हुई है तो रथ चलाने का उसने जिम्मा लिया, तो खुशी से दोनों अपने जीजाजी और बहन को लेकर के जा रहा है। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई कि यही देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, तो तुरंत उसने रथ का नाल छोड़ा और देवकी के बालों को पकड़ करके नीचे गिराया और तुरंत उसने तलवार निकाल लिया अपने विद इन क्षण भर में, है ना। तो जब तक इंद्रिय आराम के साथ साथ जो कुछ भी चल सके, वो चाहे शारीरिक संबंध हो, चाहे बहुत हद तक जो प्रचलित भक्ति के नाम पे या अध्यात्म के नाम पे जो चलता है, वो इंद्रिय सुख के साथ साथ जितना चल पाता है तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही इंद्रिय सुख में और शारीरिक आराम में अगर चुनाव करना पड़े, पिता, गुरु, भक्ति, आध्यात्मिक मार्ग, तो फिर वहाँ पे वो वास्तविकता बाहर आ जाती है। तो कंस की वास्तविकता उस समय बाहर आ गई। और ऐसा एक और वृत्तांत आता है, कुछ वृत्तांत भागवत पुराण से हम देखेंगे कि जब देवयानी और शर्मिष्ठा, है ना, तो देवयानी किनकी पुत्री है? शुक्राचार्य की पुत्री हैं देवयानी, और शर्मिष्ठा विश्वपर्व, तो दैत्यों के राजा हैं विश्वपर्व, और उस राज्य में दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो दोनों की बेटी अपने सहेली सखियों के साथ, सहेलियों के साथ वो भ्रमण में निकली। भ्रमण करते करते वहाँ एक नदी दिखा, तो उन्होंने सोचा कि इसमें स्नान करते हैं, तो सब नदी में उतर गए, सब अपने अपने कपड़े उतार करके सब नदी में उतर गए। और अचानक से वहाँ शिव जी उस रास्ते से जाने जा रहे थे। शिव जी बैल पे अपनी पत्नी पार्वती को के साथ आरूढ़ होकर के उसी मार्ग से जा रहे थे। तो जैसे ही देवयानी, शर्मिष्ठा और बाकी स्त्रियों को पता चला कि शिव जी आए हैं या उधर से पार हो रहे हैं, तो तुरंत सब नदी के बाहर भाग करके अपने कपड़े ढूंढने लगे। और तब तक जल्दीबाजी में शर्मिष्ठा ने क्या किया, देवयानी के कपड़े पहन लिए। तो देवयानी अत्यंत गुस्सा हो गई और उसने शर्मिष्ठा को कहा कि जिस तरीके से कुत्ता यज्ञ स्थल में चला जाता है और यज्ञ का घी चुरा लेता है, तुमने मेरे कपड़े चुरा लिए, मतलब कि अपमान भी कर रहे थे, इतना फिलोसॉफिकल तरीके से अपमान सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक शूद्र अगर वेद का अध्ययन करने लगे तो कैसा प्रतीत होगा, उसी तरीके से तुमने मेरे कपड़े चुरा करके वैसी स्थिति पैदा कर दी है। तो फिर देवयानी शर्मिष्ठा को गुस्सा आ गया, तो उसने कहा कि तुम जैसे ब्राह्मण ना हमारे राज्य में कौवे के समान घूमते हैं, जो जिस तरीके से कौवे घर से फेंका हुआ अनाज कौवे उठा के खा लेते हैं, उस तरीके से तुम सारे ब्राह्मण हमारे घर से फेंका हुआ अनाज खाते हो, है ना, कौवे खाते हैं ना, घर से कुछ भी सब्जी उब्जी फेंक दिया तो कौवे आकर के उसको खा लेते, तो उस तरीके से उसकी भर्त्सना कर रही थी, क्योंकि जो देवयानी थी वो ब्राह्मण की बेटी थी और शर्मिष्ठा क्षत्रिय की बेटी थी, राजा की बेटी थी, तो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से कटाक्ष किया। तो उसके बाद फिर शर्मिष्ठा को गुस्सा आया और देवयानी को कुएं में उन्होंने ढकेल लिया, तो देवयानी कुएं में गिर गई।
और शर्मिष्ठा फिर वहाँ वहाँ से भाग करके अपने पिता के पास चली गई और उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे गुस्सा आ गया, क्षत्रिय की बेटी भी थी, हो आ सकता है गुस्सा, तो धकेल दिया। तो शर्मिष्ठा गई विश्वकर्मा के सामने। जैसे ही विश्वकर्मा को पता चला कि बेटी ने ऐसा कर दिया है, तुरंत विश्वकर्मा सतर्क हो गए, अलर्ट, कि ये बहुत बड़ा अपराध हो गया है, क्योंकि वो ब्राह्मण की बेटी थी और किसी ब्राह्मण की बेटी को आप अपमान कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप ब्राह्मण को ही अपमान कर रहे हैं। जब उसको पता चलेगा शुक्राचार्य को कि बेटी के साथ ऐसा हुआ है, तो शुक्राचार्य उसका प्रतिशोध लेंगे और श्राप देंगे, और कहीं शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया तो जो भी ऐश्वर्य राज्य है सब भस्म हो जाएगा। तो विश्वकर्मा तुरंत गद्दी छोड़ करके रोड पर दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते फिर वहाँ पहुँचे शुक्राचार्य के पास और तुरंत उनका पैर पकड़ लिया और बोला कि क्षमा कर दीजिए, और जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक पैर नहीं छोड़ेंगे। तो शुक्राचार्य ने फिर कहा कि ठीक है, क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो देवयानी चाहती है वो तुम उसको कर दो, देवयानी की इच्छा मान लो। उसने पूछा क्या इच्छा है आपकी? देवयानी ने कहा, तब तक क्या हुआ कि देवयानी जो कुएं में गिरी हुई थी, वहाँ से ययाति राजा जा रहे थे, तो ययाति राजा ने देखा कि स्त्री गिरी हुई है, तो उसने अपने हाथ पकड़ करके उसको बाहर निकाला देवयानी को। तो देवयानी ने बोला कि आपने मेरा हाथ थामा है, तो अब आप विवाह मैं आपसे ही करूँगी। तो देवयानी ने प्रस्ताव रख दिया। तो ययाति इच्छुक तो नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने हाँ बोल दी। तो तब तक देवयानी यहाँ राज में पहुँची और ययाति अपने राज में चले गए। अब शादी का कमिटमेंट हो चुका था, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। तो देवयानी ने शर्मिष्ठा से कहा या विश्वकर्मा से कहा, कि विश्वकर्मा ने कहा कि आप एक वरदान मांगो, जो भी आप चाहती हो मैं करूँगा। तो देवयानी ने विश्वकर्मा से वरदान मांगा, और क्या वरदान मांगा कि शर्मिष्ठा मेरी शादी जहाँ पे भी होगी, शर्मिष्ठा मेरे साथ नौकरानी के रूप में आएगी। तो विश्वकर्मा ने बोला ठीक है, कम से कम पूरा राज्य भस्म होने से तो अच्छा है, कि क्योंकि अगर नहीं मना करेंगे तो फिर अगर मना कर देंगे तो फिर उत्पात हो जाएगा। तो उन्होंने हाँ बोल दिया और शर्मिष्ठा चली गई नौकरानी बन करके देवयानी के साथ, और देवयानी की शादी हो गई ययाति के साथ। लेकिन शुक्राचार्य को पता था, क्योंकि शर्मिष्ठा भी एक रानी है, राजा की बेटी है, सुंदर स्त्री है, तो शुक्राचार्य ने पहले से ही ययाति को कहा था कि अगर शर्मिष्ठा के साथ तुमने अगर संतान उत्पत्ति की तो तुम्हें श्राप दे दूंगा मैं, है ना। तो ययाति ने बोला ठीक है, तो शर्मिष्ठा गई साथ में। अब देवयानी को पुत्र हुआ, तीन पुत्र हुए, तो शर्मिष्ठा ने देखा देवयानी को पुत्र हुआ तो उसके भी पुत्र की उत्कंठा हुई। तो शर्मिष्ठा गई ययाति के पास कि मुझे भी पुत्र चाहिए। तो ययाति ने बोला ठीक है, तो फिर उसने हाँ बोल दिया, और फिर हाँ बोल दिया और पुत्र शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न हो गए। और जब देवयानी को पता चला तो देवयानी तुरंत गुस्सा हो गई। ययाति ने माफ़ी मांगी, क्षमा कर दो गलती हो गई, लेकिन देवयानी सुन नहीं रही थी, खूब पैर वैर दबाया लेकिन मान नहीं रही थी, वर्णन है भागवत में, लेकिन वो मानी नहीं और वो चली गई अपने पिता के पास, शुक्राचार्य के पास, और उसने शुक्राचार्य को बता दिया। तो शुक्राचार्य ने तुरंत श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ, तुम्हारा नव यौवन चला जाए। तो तुरंत वृद्ध हो गए। लेकिन फिर शुक्राचार्य को एहसास हुआ कि इस श्राप से तो अल्टीमेटली मैंने अपनी बेटी को ही दुखी कर दिया, क्योंकि अब बेटी का पारिवारिक जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि पति वृद्ध हो गया अब। तो फिर उनको एहसास हुआ, और इधर ययाति भी माफ़ी मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चाहो तो अपना नव यौवन किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, अपना वृद्ध अवस्था किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। तो ययाति अपने पुत्रों के पास गए। अब देखिए ये मेन चीज़ है ना, कि किस तरीके से व्यक्ति अपने भौतिक आकांक्षाओं के लिए है ना अपने पुत्रों को भी कष्ट दे सकता है, क्योंकि मुझे इच्छा है कि मैं आनंद करूं तो तुम दुख करो, क्योंकि क्यों, मैं तुम्हारा पिता हूं। वहाँ पे यही है आर्ग्यूमेंट, बस एक ही है कि पिता की आज्ञा मानने से व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है, वहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट है, व्यक्ति मुक्त होता है पिता की आज्ञा मानने से। इसलिए मैं तुमको क्योंकि कह रहा हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो तुमको मेरी आज्ञा माननी चाहिए और अपना नवयुवन मुझे दे देना चाहिए और मेरा वृद्ध जीवन तुम ले लो। तो सारे पुत्रों ने मना कर दिया,
इसमें दो चीज़ें सीखने की हैं, एक चीज़ मैं अभी बताऊंगा, एक चीज़ थोड़ी देर बाद बताता हूँ। एक चीज़ जो हुआ कि पुरु ने आज्ञा स्वीकार कर ली और जयाति फिर से नवयौवन हो गए। तो यहाँ पे बस इस पूरी कथा से ये समझ में आता है कि भौतिक आकांक्षाओं के लिए व्यक्ति जो भी तथाकथित भौतिक संबंध है, जो भी दर्शन है, भौतिक आतुरता इतनी ज़्यादा है, इंद्रिय सुख की आतुरता है कि व्यक्ति किसी भी स्तर पर जा सकता है। उसी तरीके से हम देखते हैं इंद्र अपने राज्य के लिए है ना ददीची मुनि के पास चले गए, ददीची मुनि से उनका प्राण मांग रहे हैं, उनका शरीर मांग रहे हैं है ना, क्योंकि अपना राज्य बचाने के लिए। तो वहाँ पे वर्णन है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हर कोई इस भौतिक जगत में है ना 6951 वहाँ पे वर्णन आता है कि हर कोई इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक अपने शारीरिक आराम के लिए जी रहे हैं। चाहे जब तक कि कोई शुद्ध भक्त ना हो, कोई शुद्ध भक्त हो सकता है कि भौतिक आराम में हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शुद्ध भक्त भी भौतिक आकांक्षा में हो। इसका विपरीत सही नहीं है कि कोई व्यक्ति शारीरिक आराम के लिए भक्ति को एक्सप्लॉइट कर सकता है, लेकिन कोई अगर भक्ति में है और शारीरिक आराम में भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भक्ति को एक्सप्लॉइट करने के लिए वहाँ पर, ये भी चीज़ हमको प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो भक्ति को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही शारीरिक आराम में है ना, भक्ति में सेवा के लिए भी शारीरिक आराम में हो सकता है व्यक्ति, या शारीरिक आराम में रह करके भी भक्ति में सेवा की जा सकती है, आध्यात्मिक मार्ग की जा सकती है, वो भी एक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पे ये समझने की चीज़ ज़रूरी है कि ददीची मुनि ने कहा कि इस पृथ्वी पे जो सबसे प्रिय चीज़ है व्यक्ति को वो है अपना शरीर, और तुम मुझसे मेरा शरीर मांग रहे हो, इतनी बड़ी चीज़ मांग रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम याचक बन के आए हो तो मेरा कर्तव्य है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कर्तव्य है मैं तुमको दे दूँ, तो मैं तो दे दूँगा। लेकिन उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक निष्ठुर हो सकता है अपनी भौतिक आतुरता, भौतिक इंद्र सुख की आकांक्षा व्यक्ति को कितना निष्ठुर बना सकती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है, हम आध्यात्मिक मार्ग में आ गए हैं तो हमारी वो निष्ठुरता खत्म हो गई है, वो नहीं है, अभी भी वो निष्ठुरता है, और वो मौका देख करके वो हम उसको प्रकट करते हैं। जब 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 आवश्यकता होता है तब तक हम गुरु का आदेश मान लेते हैं, और जहाँ आवश्यकता या अपने आराम में कुछ ये होता है, हस्तक्षेप होता है, तो वहाँ गुरु के सामने, गुरु की आज्ञा हम किसी न किसी बहाने से अस्वीकार करना चाहते हैं। तो ये निष्ठुरता है अभी भी, तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए कहीं भौतिक आतुरता हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा ना बन जाए। तो अब प्रश्न ये है कि अब हमारी जो भौतिक आतुरता है इसको किस तरीके से आध्यात्मिक उत्कंठा में परिवर्तित किया जाए, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है जो शास्त्रों में बताई है, भागवत पुराण में वर्णन है कि हम जानते हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं भौतिक सुख के प्रयास, जो भी कार्य कर रहे हैं है ना, खास करके यहाँ वर्णन है श्लोक में, तत्रापिदं पतिनं च सुखाय अन्यापनुते कर्माणि कुर्वतं दृष्ट्वा निवृतो अस्मि विपर्ययम्। यहाँ बताया गया है कि सुख के लिए जो भी प्रयास हम करते हैं है ना, दंपतिनां, पति पत्नी साथ में आते हैं, स्त्री पुरुष साथ में आते हैं इस आतुरता से कि सुख की कामना से कि सुख प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त क्या होता है, विपर्ययम्, ठीक उल्टा प्राप्त होता है। तो सुख के लिए इस भौतिक जगत में जो भी प्रयास करते हैं हम, हमको अनुभव होता है कि उसका ठीक विपरीत हमको प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने सुख की आकांक्षा हम छोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पे दिया गया निवृत्तो अस्मि, व्यक्ति को निवृत्ति की ओर बढ़ना चाहिए। तो निवृत्ति की ओर कैसे बढ़े, लेकिन आतुरता इतनी ज़्यादा है तो निवृत्ति की ओर कैसे बढ़ा जाए। पता चल गया है कि भौतिक आतुरता दुख का कारण है, लेकिन और इससे निवृत्ति हमको करनी पड़ेगी, लेकिन निवृत्ति हो नहीं पाएगी क्योंकि आसक्ति बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा। प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि हर जीव
मैथुन सुख के लिए और या शारीरिक आवश्यकताओं के लिए खाना पीना सोना इंद्र सुख के लिए आतुर है। तो आवश्यक ये है कि हम सब इसको नियमित करें, रेगुलेट करें, यहाँ से शुरुआत हो। डिसिप्लिन, रूपा जी लिखते हैं, सबसे पहले चीज़ आएगी डिसिप्लिन। नियमित किया जाए हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को, नियमित किया जाए और नियमित करके उसको व्यवस्थित करके फिर उसको भगवान की भक्ति में धीरे धीरे उसको लगाया जा सकता है। इसलिए जो पूरा वर्णाश्रम धर्म का परिप्रेक्ष्य है उसमें इंद्रिय आसक्तियों को निवृत्त करने के लिए जो पहला कदम उठाना है उसको नियमित करना होगा, उसको व्यवस्थित करना होगा, उसको किया जा रहा है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था, व्यवस्था किस चीज़ की व्यवस्था है? इंद्रिय सुख की जो आसक्ति है उसको पूरी करने की व्यवस्था, व्यवस्था इस प्रकार से कि निवृत्ति की ओर हम बढ़ें, है ना। रेगुलेशन फॉर डिटैचमेंट, डिटैचमेंट कैसे कैसे आएगा? रेगुलेशन से आएगा। तो रूपा जी यहाँ कहते हैं कि अगर अगर खाने को रेगुलेट करना है, खाने की उत्कंठा है, आतुरता है ना, तो उसको कैसे, जीवा को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? प्रसाद से, है ना। यज्ञ शिष्टा से, रूपा जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यंते सर्व किलवेश भूंजते ते तो अघम पापा ये पचनते आत्मकारणार्थ। जो अपने भोग की इच्छा है, आत्मकारणार्थ अपने लिए हर कुछ करने की इच्छा है, उसको यज्ञ के लिए अर्पण करें और यज्ञ का उच्छिष्ट ग्रहण करें। खाने के लिए मना नहीं है, उसको व्यवस्थित किया जा रहा है, ठीक है, आप प्रसाद लीजिए और भगवान को भोग लगा के लीजिए, है ना। तो इच्छा नहीं है भगवान को भोग लगाने की, लेकिन फिर भी है ना एक नियम को पालन कर रहे हैं, रूल्स को पालन कर रहे हैं, एक नियम। तो नियमित डिसिप्लिन वहाँ मोटिवेशन है कि डिसिप्लिन होना है हमको। तो शुरुआती अवस्था में जो प्रेरणा होगी वो क्या होती है कि हमको नियमित होना है, हमको अपने आप को रेगुलेट करना है, डिसिप्लिन करना है, है ना। उससे वो पहली पहला कदम है, वो अत्यंत आवश्यक। अगर उसी तरीके से अगर सेक्सुअल अर्ज को, है ना, मैथुन सुख की कामना को अगर रेगुलेट करना है, तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कैसे कर सकते हैं? हाँ, विवाह यज्ञ, है ना। लोके बबाया आमिष्य मध्य सेवा नित्या ही जंतो नहीं तत्र चोदना व्यवस्थिति स्तेहु तेषु विवाह यज्ञ, है ना। व्यवस्थितिस, जीव, हर जीव की स्वाभाविक उत्कंठा है बबाया आमिष मध्य सेवा, है ना, ये स्वाभाविक है हर जीव के लिए, बद्ध जीव के लिए। लेकिन इस व्यवस्थितिस तेषु विवाह यज्ञ, इसको व्यवस्थित करने के लिए, इंद्र सुख की उत्कंठाओं को व्यवस्थित करने के लिए विवाह यज्ञ या फिर सुरग्राह, है ना, जो शराब पीने की किसी को इच्छा है तो जा करके देवताओं को, और किसी पर्टिकुलर देवता को अर्पण करें, मांस खाने की इच्छा है तो किसी पर्टिकुलर देवता को अर्पण करके उसको ग्रहण कर सकता है। तो इस तरीके से ये सब नियम बनाए गए हैं देवी देवताओं को अर्पण करने के लिए या कुछ यज्ञ बनाए गए हैं ताकि व्यवस्थित हो, वर्ण व्यवस्था बनाई गई ताकि चीज़ें व्यवस्थित हो। तो सबसे पहला स्टेप ये है, अगर ये स्टेप नहीं होगा और तो फिर क्या होगा, कुछ समय के लिए हम, हो सकता है कि बहुत तीव्रता से हम भक्ति करें लेकिन उसको हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उसको इंड्योर नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा समय तक चलेगी नहीं, क्योंकि फिर से वो आतुरता हावी हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमेशा संघर्ष चल रहा है, आंतरिक भौतिक आतुरता और आध्यात्मिक उन्नति में हमेशा संघर्ष चल रहा है ना। तो वो संघर्ष कर, वो फिर हावी हो जाएगा। आज आपको भक्तों का संग मिला, आज आप बहुत उत्साहित हैं भक्ति करने के लिए और आप पूरा सोलह माला जप कर रहे हैं, लेकिन उसको कितना हम आगे तक लेके जा पाएंगे, कितने समय तक कर पाएंगे, कितने ज़्यादा समय तक हम टिक पाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आपके जीवन में कितना डिसिप्लिन है, कितनी व्यवस्थित है हमारा जीवन। और ऐसा तो, और उसमें भी अगर हम वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसमें भी व्यवस्थित होना ज़रूरी है, उसके नियमों को सटीकता से पालन करना, प्रसाद भी ले रहे हैं तो उसमें भी नियमित होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि प्रसाद ले रहे हैं प्रभु जी हो, अब नियमित हो गए हम, तो उसमें फिर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आप 24 घंटे इनडिसिप्लिन है तो फिर जब आप, हम बैठेंगे श्रवण करने के लिए, जब हम बैठेंगे कीर्तन करने के लिए, तो हो पाएगा? अगर हम 24 घंटे अव्यवस्थित है, अनियमित है, तो क्या तुरंत से हम ये 2 घंटे डिसिप्लिन हो जाएंगे, कुछ चमत्कार होगा 7 से या 7:45 से लेकर के 9 के बीच में कुछ चमत्कार होगा? क्योंकि हमने अपने माइंड को ट्रेन किया है, हम 24 घंटे माइंड को प्रशिक्षित कर रहे हैं अनियमित होने के लिए,
और जब भगवत कथा में बैठ रहे हैं तो हम सोच रहे नींद नहीं आएगी या कोई अन्य विचार नहीं आएंगे या मन एकाग्रित होकर के सुनेगा, कैसे सुनेगा, आनी ही है नींद, मन विचलित होना ही है क्योंकि 24 घंटे हम प्रशिक्षित कर रहे हैं उसको, है ना। प्रजल कुछ भी अनसन बात करने में, खाने बैठे, प्रसाद लेने बैठे तो उसका कोई नियमित ही नहीं है, लेते गए पता ही नहीं चला कितना खा लिया, है ना। बात कर रहे हैं पता ही नहीं चला कितना समय चला गया बात करने में, कोई नियमित नहीं है, हम अलर्ट नहीं है, सतर्क नहीं है कि हमारा समय जा रहा है, हम ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, हम अनियमित हो रहे हैं, तो उसमें अलर्टनेस ज़रूरी है। तभी हम जप में भी अलर्ट रहेंगे क्योंकि हम उसके लिए अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं, हम 24 घंटे प्रशिक्षण चल रहा है। तो भक्तिमय जीवन सिर्फ ये नहीं है कि जब कथा प्रवचन या फिर कोई एक डायरेक्ट सेवा जब हम कर रहे हैं तभी प्रशिक्षण है, खाते पीते सोते हर समय प्रशिक्षण, मन को प्रशिक्षण चलता रहता है, है ना। तो उस व्यवस्था को हमको गंभीरता से लेना होगा जो व्यवस्था है, क्योंकि भक्ति को हम पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्था को भी गंभीरता से नहीं लेंगे, नियमों को भी गंभीरता से नहीं लेंगे, तो फिर प्रगति का क्या कोई होप है, कोई आशा है, कोई आशा नहीं है ना। नियमों को आप गंभीरता से ले रहे हैं, भक्ति तो होती नहीं, हो नहीं रही है, भक्ति के नियम है उसको भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या आशा है। इसलिए ये सबसे बेसिक है कि जो नियमित होना, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतना खाना, ये चीज़ें खानी है, जो नई सेवा में अनुकूल है, भक्ति में अनुकूल है, नहीं खाना है, नहीं करना है, तो ये होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है प्रशिक्षण, है ना। जब तक कोई प्रशिक्षित नहीं, ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग एक चीज़ में ये है, दूसरी ट्रेनिंग भक्ति की भी प्रशिक्षण है, जो भक्ति के सिद्धांत हैं उसकी भी प्रशिक्षण है, जो भक्ति का की जो समझ है ना। नौतम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुटी तबे हम बुझबो से जुगल प्रीति। तो भक्ति में सिद्धांतों को भी गुरु परंपरा के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार समझना है ना, शारीरिक स्तर पे भी उसको पालन करना है जो नियम है, और जो भक्ति के डायरेक्ट सिद्धांत हैं, नियमों के अलावा जो डायरेक्ट सिद्धांत हैं उसको भी यथा रूप से जो गुरु परंपरा में आ रही है तभी उसको ग्रहण करना है। तो फिर जा करके जब गुरु परंपरा या गुरु के चरणों के प्रति आतुरता बढ़ेगी, गुरु के चरणों के प्रति आतुरता कहने का मतलब अर्थ है कि गुरु के आदेशों के प्रति जब आतुरता बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि चरणों के प्रति आतुरता का मतलब क्या है कि हम जब महाराज आएंगे और उनके चरणों को हम देखेंगे, वो इसका अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति जब आतुरता बढ़ेगी और उनके निर्देशों को सुनने के प्रति आतुरता बढ़ेगी, पहले तो सुनना होगा, श्रवण करना होगा, तब तो पालन करेंगे, तो पहले उनको सुनना होगा। अगर हम इतने बिजी हैं, इतना समय प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि तात्पर्य में आगे एक श्लोक आता है कि हम शारीरिक आवश्यकताओं में इतने बिजी हो जाते हैं खाने पीने सोने में कि हमको भगवान का श्रवण कीर्तन करने का समय नहीं मिलता है। तो इतना हम व्यस्त ना हो जाएं कि हम सुन ही ना पाए, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमको गुरु के चरणों के प्रति आसक्ति नहीं होगी, और जब तक आसक्ति नहीं होगी कोई सेवा नहीं होगी, और जो भी सेवा होगी वो बहुत ही अनियमित होगी, है ना, बिना कोई भाव के होगी, और वो ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं, कुछ समय तक टिकेगी और फिर से भौतिक आतुरता उसके ऊपर हावी हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगा, है ना। वो संघर्ष तो चल ही रहा है अंदर में, नहीं चल रहा है ना, तो हम तो जानते हैं संघर्ष तो है, तो उसके लिए हमको अलर्ट रहना है ना, कि वो संघर्ष है कहीं मैं परास्त ना हो जाऊँ, तो अलर्टनेस ज़रूरी है। तो और ये दो परिप्रेक्ष्य हो गए कि शारीरिक स्तर पे प्रशिक्षण और सिद्धांतों में प्रशिक्षण, है ना, उससे धीरे धीरे हमारी जो आतुरता है वो शुद्ध होगी और वो भगवान की सेवा में परिवर्तित होगी। ये जो भगवान के प्रति आतुरता है ये एक परीक्षा भी है कि किसके जीवन में कितनी लालसा भगवत कथा श्रवण के प्रति बढ़ रही है, वो उसका सूचक है कि वो अपने विगत पाप कर्मों से मुक्त हो रहा है, या उसके वो अब पाप कर्म नहीं कर रहा है, है ना। अगर किसी के अंदर रुचि नहीं आ रही है ना भगवान की कथा सुनने की, रुचि अवस्था तो बहुत ये है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इंटरेस्ट, एक लालसा अगर नहीं आ रही है, श्रद्धा नहीं बढ़ रही है,
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम चार नियमों को तोड़ रहे हैं पहला, या फिर कहीं ना कहीं सूक्ष्म या स्थूल रूप से, दोनों रूप से हो सकता है, मन में या व्यवहारिक रूप से या फिर बातचीत में, कहीं ना कहीं वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उद्रोपस्थ वेगम, इसमें कहीं ना अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह, जैसे सूक्ष्म है इसमें कहीं हो रहा है। अगर चार नियम, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, अगर ये सही से पालन कर भी रहे हैं, जुआ मांस नशा व्यभिचार, अगर इसको सही से पालन कर भी रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कहीं त्रुटि है ना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह है ना, षड्भिः भक्ति विनश्यति, तो इस ये भी भक्ति का नाश कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी भक्ति में आतुरता नहीं बढ़ रही है, लालसा नहीं बढ़ रही है ना, श्रवण के प्रति उत्साह नहीं आ रहा है, कीर्तन के प्रति उत्साह नहीं आ रहा है, नींद आ रहा है, कथा में नींद आ रहा है, जब मैं बैठते ही 10 मिनट होते ही नींद आ रहा है, तो उसके लिए हमको सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने आप में कोई, हो सकता है कुछ कल रात में कुछ ज़्यादा खा लिया हो, वो भी हो सकता है, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जरूर एकदम कंपलसरी है कि कोई पापकर्म ही किया होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक एक सिद्धांत की बात हो रही है कि सिद्धांतिक रूप से ये हमको समझना होगा कि अगर कोई तत्कालिक कोई अनियमित हुआ है कोई चीज़, तो ठीक है उसको आप ठीक कर लो, लेकिन अगर सब चीज़ ठीक से चल रहा है लेकिन फिर भी भक्ति में उत्साह नहीं आ रहा, यानी कि उसको बहुत अलर्ट होकर के सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमें सूक्ष्म रूप से कहीं चीज़ें अनियमित हो रही हैं, कोई उत्साह नहीं आ रहा है भक्ति में, तो ये आतुरता बहुत बड़ा एक मापदंड भी है भक्ति में प्रगति का। तो इसमें एक बहुत अच्छा वृत्तांत आता है चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पे एक बार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे, और वृंदावन के रास्ते में जाते समय चैतन्य महाप्रभु को एक नदी पार करनी थी, उस नदी का नाम है कुछ थोड़ा जटिल नाम है, याद नहीं है मुझे, लेकिन नदी पार करनी थी, तो वहाँ पे महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे प्रताप रुद्र के राज्य में, और उनको उड़ीसा से निकल करके कुछ नदियाँ पार करके वृंदावन जाना था। तो वहाँ के जो गवर्नर थे प्रताप रुद्र के राज्य के अंडर में एक गवर्नर थे, इनका नाम था महापात्र, उन्होंने कहा कि अगला जो राज्य जो बॉर्डर के बाहर है, उड़ीसा बॉर्डर के बाहर जो राज्य स्टार्ट हो रहा है, वो एक मुस्लिम शासक का है और वो बहुत क्रूर शासक है, उसका नाम नहीं उस लिखा गया है, वो बहुत ही क्रूर शासक है और अपनी क्रूरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो एक कुछ समय की आवश्यकता है कि हम उससे एक संधि करें और फिर आप बॉर्डर से बाहर निकलिए, नहीं तो जान को खतरा है, तो हम संधि करेंगे उसके साथ, जो भी आदान प्रदान है उसको करना पड़ेगा। तब तक महाप्रभु रुके हुए थे, तब तक उस मुस्लिम शासक के राज्य से एक व्यक्ति हिंदू भेष बना करके, जहाँ महाप्रभु रुके हुए थे उड़ीसा के बॉर्डर पे, जगन्नाथपुरी में नहीं थे, उड़ीसा के बॉर्डर पे थे, वहाँ जहाँ रुके हुए थे वहाँ पे वो व्यक्ति आया, मुस्लिम शासक का व्यक्ति, दूत था, देखने आया था क्या गतिविधि चल रही है। तो वहाँ जब देखने आया तो उसने देखा कि महाप्रभु के एक अत्यंत सुंदर रूप, पहले तो महाप्रभु का उसने वो देखा, एक भव्य रूप और आकर्षक रूप जो महाप्रभु का था, उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हुआ, और उसके बाद जब वहाँ के भक्तों को देखा, हर कोई नाच रहा है, गा रहा है, ज़मीन पे लौट रहा है, आँख से आंसू निकल रहे हैं, तो ऐसी विचित्र स्थिति को देख करके, और उसको वो समझ नहीं पाए हो क्या रहा है, ऐसा पागलपन, वहाँ वर्णन, ऐसा पागलपन क्यों है यहाँ पर। तो उसने देखा और भगवान के रूप को देखा, भगवान के भक्तों को देखा, थोड़ा महाप्रभु के बारे में सुना, और उसके अंदर भी वो आने लगा, वो पूरा वो भी भगवान का नाम लेने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, पूरा उसमें भी विकार आने लगे। तो ऐसा होता था, महाप्रभु को देख करके लोगों में शुद्ध भक्ति का प्रवाह, शुद्ध विकार आने लगते थे, तो उसके अंदर भी आने लगे। तो वो भी गया मुस्लिम शासक के पास और उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, लोग पागलों की तरह लाखों की मात्रा में वहाँ पर जमावड़ा है उनके आसपास, और वो रूप ही इतना सुंदर है, और इसको बोलते ही वो खुद भी हरी 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 चिल्लाने लगा और कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगा, और फिर वो भी रोने लगा राजा के सामने, मुस्लिम शासक के सामने, वो खुद भी मुस्लिम था। और जब अब मुस्लिम शासक ने सुन लिया महाप्रभु के बारे में कि महाप्रभु ऐसे हैं, वहाँ उनके भक्त ऐसे हैं, तब उसके अंदर भी वो भक्ति का प्रवाह होने लगा, तो ऐसे ऐसे पूरा का पूरा गांव भक्त बन जाता था, है ना। एक व्यक्ति ने देखा महाप्रभु को, कहीं से महाप्रभु जा रहे हैं, वो अपने गाँव में गया, उसने वहाँ गाँव वालों ने उसको देखा,
तो फिर वो सब भक्त बन गए, उसके मुँह से सुना तो फिर वो सब भक्त बन गए, फिर वो लोग कहीं और गए तो उससे भक्त बन गए, तो ऐसे एकदम इन्फेक्शन की तरह, महामारी की तरह फैल रहा। तो मुस्लिम शासक में भी भक्ति का प्रवाह होने लगा, तो वो भी बोला कि मैं भी जाके देखूंगा महाप्रभु को। तो भी हिंदू का भेष बना करके वो भी गया महाप्रभु को देखने के लिए। वहाँ महाप्रभु के पास पहुँचा और उसने महाप्रभु को कहा कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या पाप किया कि मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। अगर मैं हिंदू परिवार में पैदा होता तो कम से कम इतना होता कि मुझे अनुकूल परिस्थिति मिलती आपके चरणों की सेवा के लिए, तो लेकिन अब मुझे नहीं मिली है। तो जब महापात्र ने, जो वहाँ बैठे थे, जब उन्होंने सुना है, तो उनको तो पता था एक क्रूर शासक के रूप में, तो जब उन्होंने देखा कि इतना क्रूर शासक इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो तुरंत महाप्रभु के पैरों पर गिर गए, महाप्रभु के पैरों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ लिया, और वो बोलने लगे। फिर वहाँ वो बोलते हैं अपने महाप्रभु तार मन फिराइला, दर्शन स्मरणे जार जगत तारीला। आपने उसका मन फिरा दिया महाप्रभु, है ना, आपके दर्शन और स्मरण से मात्र। उसने क्या किया था, महाप्रभु को तो देखा भी नहीं था पहले, तो पहले तो सुना ही था, बस स्मरण हुआ था महाप्रभु का, और फिर अब आके उसने देख लिया, बस इतने से ही उसका कोई ज्ञान, अभी कुछ सुना भी नहीं है भक्ति क्या है, नहीं, बस देखने और स्मरण मात्र से ही उसका मन फिर गया। चांडाल पवित्र जार श्री नाम श्रवणे है ना तुम्हारे ही जीव पहला दर्शन है। चांडाल भी पवित्र हो जाता है आपके नाम का श्रवण करके, तो उसका क्या कहना है कि जिसने आपको देख लिया है साक्षात, इसने तो आपको साक्षात देख लिया यहाँ करके, तो इसमें यहाँ जे ऐ गति इथक ये विस्मय, इसमें विस्मय की क्या बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुस्लिम शासक मिलेच परिवर्तित हो गया, इसमें कोई विस्मय की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दर्शन प्रभाव, यही आपके दर्शन का प्रभाव है ना। तो जो यहाँ पे विशेष रूप से जो मैं बताना चाह रहा था वो ये श्लोक है। तो मुस्लिम शासक ने कहा महाप्रभु से, गो ब्राह्मण वैष्णवे हिंसा करी आछे अपार, सही पाप हैते मोर हौक निस्तार। मुस्लिम शासक ने कहा कि मैं इतना पापी हूँ, मैंने इतने गायों की हत्या की है, इतने ब्राह्मणों को मारा है, है ना, मैं कैसे इस अपार, है ना, करी आछे अपार हिंसा, अपार हिंसा मैंने की है, मिले छे अपार हिंसा की है, तो सही पाप हैते मोर हौक निस्तार, मैं इसके कैसे इस अपार पाप से निकल सकता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ वो आता है कि ये जो आतुरता जो उसने दिखाई, ये इसका सूचक है कि वो अपने पाप कर्मों से ऑलरेडी शुद्धि उसकी होनी चालू हो गई है ना, ये प्रश्न ही अपने आप में ये सूचक है कि उसकी ऑलरेडी शुद्धिकरण प्रारंभ हो गई है, भगवान के दर्शन से ही शुद्धिकरण प्रारंभ हो गया है ना। तब तो ऐसा ख्याल आ रहा है ना, सामान्य लोगों को आता है क्या, सामान्य लोगों को नहीं आता है। तो फिर वो क्या, फिर उसने महाप्रभु से कहा कि मुझे आपकी कोई सेवा चाहिए, अब ये दूसरा है ना, वो सेवा मांग रहा है महाप्रभु, और महाप्रभु ने तुरंत उसको सेवा दे दी, अब ये दूसरा, लेकिन अगर हमको सेवा मिल रही है ये इसका सूचक है कि हमारे पाप कर्म शुद्ध हो रहे हैं, है ना, आतुरता उसकी सूचक है कि हमारे पाप कर्म से शुद्ध हो रहे हैं, तब तो हमको भगवान सेवा दे रहे हैं। तो महाप्रभु ने उसको तुरंत सेवा दी कि तुम मेरे लिए नदी पार करने के लिए नाव और नाव का की व्यवस्था करो। तो उस मिलेच्छ शासक ने तुरंत नावों की व्यवस्था की, 10 नाव लगा दिए, सब नावों में सैनिक तैनात हो गए, और एक विशेष नाव महाप्रभु के लिए तैयार किया गया जिसमें पूरा एक कक्ष था, रूम बने हुए थे, तो महाप्रभु के लिए विशेष नाव तैयार किया गया, और सारे सिक्योरिटी के अंदर में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चोर डाकू भी थे उस नदी के रास्ते में, तो उस पूरे इलाके से पूरे सिक्योरिटी के साथ महाप्रभु को वहाँ से पहुँचाया गया। तो ये सेवा अपने आप में ये सूचक है कि हमारी आतुरता का सूचक है कि हमारी आतुरता बढ़ रही है, इसलिए हमको सेवा प्राप्त हो रही है, और क्योंकि हमको सेवा प्राप्त हो रही है तो कहीं ना कहीं भगवान हमसे प्रसन्न है, हमारे पाप कर्मों का फल खत्म हो रहा है ना, क्योंकि किसी पापी व्यक्ति को तो सेवा नहीं मिलेगी, पाप कर्मों का फल खत्म हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और यही आतुरता धीरे धीरे शुद्ध होकर के भगवान के शुद्ध भाव में परिवर्तित होती है, है ना, भगवान का शुद्ध भाव वो लक्षण परिवर्तित होते हैं, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान्य शून्यता आशबंधा समुत्कंठा नामगाने सदा रुचि,
आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इति आद्य अनुभाव स्युर जात भावम कुरे जने। तो ये भाव के लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे जैसे आतुरता शुद्ध होती जाती है धीरे धीरे भाव में परिवर्तित होने लगती है और व्यक्ति फिर सारे जो भी शोक मोह भयाप है ना, जब वो शुद्ध अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है तो सारे शोक मोह वो सब भय खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। कौन सा श्लोक सुने? हाँ, दूसरा मैंने बताया नहीं। दूसरा वो पॉइंट था कि यदु ने अस्वीकार कर दिया, तो प्रश्न ये आता है कि यदु ने क्यों अस्वीकार कर दिया, कि यदु तो पुत्र थे और यदु को जब भगवान यदु वंश में प्रकट हुए और वहाँ वर्णन है यदो प्रियन, एक वहाँ वर्णन है कि यदु भगवान को बहुत प्रिय थे इसलिए भगवान यदु वंश में प्रकट हुए, लेकिन यदु ने अपने पिता की आज्ञा को ठुकरा दिया, है ना। पिता बोल रहे थे कि बुढ़ापा ले लो, उसने बोला मैं नहीं लूँगा। तो ये एक दूसरा परिप्रेक्ष्य है कि जब आतुरताओं में क्लैश होता है दो आतुरता, वो भी यहाँ पे पिता आतुरता है भौतिक भोग के लिए और पुत्र आतुर है भगवान की सेवा के लिए, कि मैं अगर अपना नवयौवन दे दूंगा तो फिर मैं अपना जो शुद्धिकरण मुझे करना है इस मनुष्य जीवन में और भगवत प्राप्ति करनी है वो कैसे होगा, तो वो तो छूट जाएगा मनुष्य जीवन। तो उसने बोला नहीं। तो जब आतुरताओं में क्लैश हो जाए, ऐसे इंटरेस्ट में क्लैश भौतिक और आध्यात्मिक, तो यहाँ हम देखते हैं कि पुत्र पिता को भी की आज्ञा को ठुकरा सकता है। और भगवान ऐसे नहीं कि भगवान अप्रसन्न हो गए या उसको पाप लग गए, पाप तो दूर की बात है, भगवान उनके वंश में पैदा हुए है ना, यदु वंश के में पैदा हुए भगवान, तो उसमें अपमानित होना या अपराध या पाप तो बहुत दूर की बात है। तो जब ऐसे स्थिति हो जाए तो हम इस जो आध्यात्मिक आतुरता है उसको हमको प्रेफरेंस देना चाहिए, ना कि किसी की भौतिक आतुरता, किसी भौतिक संबंध या किसी भौतिक परिस्थिति में प्रभाव में आकर के हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को दाव पे लगा दें। या आध्यात्मिक उन्नति को दाव पे लगाना या आध्यात्मिक लक्ष्य को दाव पे लगाना दूर की बात है, अगर वो हमारी आतुरता को भी कम कर रहा है, लालसा को भी कम कर रहा है, तो भी उसको त्याग सकते हैं। लक्ष्य को ख़त्म करने की दूर की बात है कि हम भक्ति ही छोड़ देंगे क्योंकि पापा ने कहा है कि अब मंदिर मत जाना, तो हम भक्ति ही छोड़ देंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर पापा सिर्फ पापा या कोई जो भी कोई अगर अगर मेरे भक्ति में प्रयासों में भी अगर बाधा बन रहे हैं, कोई परिस्थिति, सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं कोई परिस्थिति भी, अगर प्रयासों में भी बाधा बन रहा है लक्ष्य, तो दूर की बात है, तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। पाप तो दूर की बात, पाप तो लग कोई सवाल ही नहीं उठता उसको। और कोई प्रश्न? श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।